आज 8 बजे स्कूल जा रही है? ओ डैड, आज मेरे दिल की घंटी जल्दी बज गई। तेरे दिल की घंटी किस दिन मेरी जान लेके छोड़ेगी? बेटे आज स्कूल नहीं जाना है क्या? ओ डैडी, आज मेरे दिल की घंटी नहीं बजी है। बेटे आज संडे है, तुम्हारे दिल की घंटी नहीं बजेगी। अंजलि बेटे आज कहाँ जा रही हो? अपने फ्रेंड से मिलने। बेटे कुछ चाहिए तुम्हें? ओ डैड, आपका दिया सब कुछ तो मेरे पास है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन। ओके बेटे। ये क्या है? ये सर्पों की बांबी। मतलब? मतलब सांपों को रहने की जगह है। बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। हाँ अब चले। हाँ चलो चलो। आजकल गाड़ियां उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। नकली चाबी से लॉक नहीं खुलते। कुछ नया सोचना पड़ेगा। अरे सिकंदर, तू यहाँ इस वक्त? बॉस, मुझे शादी करनी है। क्यों नहीं, सभी करते हैं। देख सिकंदर, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? बॉस, भरोसा तो बहुत है, पर शादी? पहले लड़के ढूंढ, उसके बाद तेरी शादी धूमधाम से कर दूंगा। बॉस, आप लड़की की टेंशन ना लो, मैंने अपनी सुनहरी आंखों से लड़की ढूंढ ली है और वो मेरे पास है। कहाँ है लड़की? नमस्ते बॉस, इसी लड़की से मेरी शादी करवा दीजिए। बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मुझे मिली है और बॉस, मैं इसे खोना नहीं चाहता। अबे ये देख किसे रही है? बॉस, इसकी नजरों पे मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो, ये सिर्फ मुझे ही देखती है। अबे तुझे कोई और लड़की नहीं मिली क्या? शट अप। कहाँ गई लड़की? लड़की कहाँ गई? कहाँ है लड़की? भूल गई क्या? अबे लड़की अभी थी यार यहाँ। अरे यार सपना देखा होगा, चल। अरे सपना कहाँ यार, लड़की थी यार यहाँ पे अभी। यार सिकंदर भाई, सब दिन नींद खराब करते यार, सो जा यार। अरे सपना क्या था, लड़की थी मेरे पास यार। ओ सो जा भाई साहब। ये यार सपने जी तू कुड़ियां देखता लगदा, सानू भी सोन दे। तक जितनी भी रिश्ते आ जा यार, सारे दिन में अंदर खराब करती यार। पहला रिश्ता था जो रात में आया था। मेरी बिपासा। से भागना कैसा, कभी तो किसी को अपना पार्टनर बनाओगी? शादी तो मैं तब करूंगी जब मेरे दिल की घंटी बजेगी। व्हाट? शादी के लिए घंटी बजती है? पहली बार सुन रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में थी।
बार-बार क्यों देख रहे हो? मैं उस लड़की की कार को देख रहा हूँ। ये जरूर कोई रईस जाती है। अरे सभी कहते हैं तेरे दिल की घंटी कब बजेगी? हाँ, एग्जाम से बाद बहुत मजे करेंगे। तुम इसका पता लगाओ ये लड़की है कौन? ठीक है डार्लिंग। पंडित, करोड़पति बनने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। सही कह रही हो। दिखाओ आज कितना कलेक्शन लाए हो। बॉस, हम जहां हाथ मारने गए थे वहां ऐन वक्त पर पुलिस आ गई और हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। अबे इडियट, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू जब भी मुझसे बात किया कर चश्मा उतार के किया कर। बॉस, आपको तो पता है कि मेरी आंखों में लफड़े का बाल है, इसलिए मैं चश्मा नहीं उतार सकता। ये सही कह रही है बॉस। कितना कुछ करना पड़ेगा। बहुत स्मार्ट लग रही हो यार। हाँ चल, आता हूँ मैं। पता किया? वो कोई मामूली लड़की नहीं है, इस शहर की जानी मानी करोड़पति मिस्टर विजय मेहरा की इकलौती बेटी है। अरे मेरी जान, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। हमें इसको फंसाना है और इसको फंसाने में तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? अरे मेरी लैला, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इसको फंसाने के लिए हमें खुद को करोड़पति बनना होगा। करोड़पति कैसे बनेंगे? उसके लिए हमें एक बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो इस वक्त अमेरिका में है। हम उसकी गाड़ी और बंगला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चले चलो चलो देखते हैं क्या करना है। डैडी, क्या सोच रहे हो? बेटे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अब तुम जवान हो गई हो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है।
मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी उसके साथ करा दूँ। क्या राय है तुम्हारी? ओ डैडी, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी मेरे पास क्या कमी है? डैडी, आपका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डेबिट कार्ड सब कुछ तो है। बेटे, सारी जिंदगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल से नहीं कटती। जिंदगी में हमें कई फैसले और भी लेने पड़ते हैं। हमें जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, समझे? ओके डैडी, जैसा आप ठीक समझे। बट मेरे दिल की घंटी अभी बजी नहीं है। बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? पैर ही छूना तो अंदर जाकर माता सुंदरी के छुओ। आकाश भैया, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे भगवान हो। अगर आप ना होते तो हम अनाथों का क्या होता? आकाश भैया, हम अनाथों का क्या होता? ठीक है, जाइए। जी जी आकाश भैया। पंडित जी, ये नौजवान कौन थे? इनके बारे में मत पूछिए। 25 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था। हाँ। इनके माँ बाप उत्तराखंड के उसी प्रलय में स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तो बस दिन रात ये दान पुण्य करते रहते हैं। दुनिया भर की दौलत है इनके पास, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ प्यार। और क्या बताऊं इनके बारे में, इतनी सी उम्र में ये इंसान से देवता बन गए। और कुछ मत पूछिए इनके बारे में, मत पूछिए। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। ठीक है। एक्टिंग तो चंगी हो गई, लगता बुढ़ा पट जाऊगा। लो भैया, तुम भी ले लो 500 का नोट। इन जैसे महान इंसानों की वजह से ही हम भिखारी जिंदा है। अरे नहीं तो कब के ऊपर बस गए होते। 500 का नोट। जय माता सुंदरी। ठीक है। नीटू भाई, आपको पता है आकाश भाई ने आज नया मुर्गा फंसाया। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है, मैं चाहता हूँ तू एक बार उससे मिल ले। डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी मेरे दिल की घंटी नहीं बजी है। बेटा, एक बार मिलने बुराई भी क्या है, शायद तेरे दिल की घंटी बजी जाए। ओके डैडी, थैंक्स बेटे। तुझे क्या लगता है कि वो विजय मेहरा यहाँ आएगा? उसका तो बाप भी आएगा, क्योंकि मेरे जैसा दामाद
उसे कहीं नहीं मिलेगा। लगता है मुर्गा आ गया। मुझे आकाश से मिलना है। रुके मैं पूछ के आता हूं। बॉस, वो आ चुका है। कौन आ चुका है? वही जिसके आप दामाद बनने वाले हो। लेकर आइए। ओके बॉस। ए, तुम लोग छुप जाओ। बॉस लेफ्ट निकल। ए, आई आई जी। अच्छा चलिए। आइए। नमस्ते अंकल जी। जीते रहो बेटे। आपका स्वागत है। बैठिए इधर। बहुत खूब। पंडित जी आप यहाँ? हाँ, इनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए डेली हवन करने आना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। बेटे बहुत उच्च विचार हैं आपके। आकाश बेटे, तुम्हारा जैसे बेटा हर घर में पैदा हो। काश आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते। मुझे बड़ा अफसोस है, उत्तराखंड की त्रासदी में आपके माँ बाप स्वर्ग सिधार गए। बड़े दुख की बात है। रहने दो अंकल, आज जो भी कुछ मेरे पास है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। बॉस, 12 करोड़ का चेक क्लियर हो गया। चलो अच्छा हुआ। साहब, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस कर दिए और 12 जोड़ी जूते भी पॉलिश कर दिए। पूजा का सब सामान भी रख दिया है। अब मैं जाती हूँ। ठीक है। नमस्ते। ठीक है, जाओ। बेटे मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया हूँ? अंकल जी आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, आप मेरी कुटिया में आए। बेटे मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ उसकी शादी आपके साथ कर दूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। अंकल जी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू बेटे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं कल ही पंडित जी से मिलके आप दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। नमस्ते। छोड़ के आओ। जी बॉस। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। शादी पक्की। मजा आ गया। बॉस कल बन गई। यस। क्या हुआ डैडी, ससुर जी से बात बनी? यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन शादी के लिए जेवर कहाँ से आएंगे? अरे अपना लाला गोल्डन किस दिन काम आएगा, उसे भी छुट्टा बनाएंगे। अरे मेरी जवान। बल्ले बल्ले। बॉस की शादी पक्की। वो इतना दिमाग से मैं नहीं रखता। बल्ले बल्ले, होगी ये शादी पक्की। बल्ले बल्ले। वहुबा वहुबा वहुबा, 25 साल में पहली बार ऐसा मुहूर्त निकल रहा है कि आज सगाई और कल विवाह हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ पंडित जी, आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला है। ये सब तो भाग्य का खेल है मेहरा साहब, वरना जूतों के तलवे घिस जाते हैं बेटियों के लिए वर ढूंढते ढूंढते। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी,
अच्छा मेहरा साहब। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। अच्छा, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, ओम भौर्भुव स्वाहा, सवितुर्वीर्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। अंजलि। भर्गो देवस्य धीमहि, अंजलि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भौर्भुव स्वाहा, सवितुर्वीर्यम्, सवितुर्। पंडित कहाँ गई है? वहुवा वहुवा वहुवा, क्या बताऊं बेटा, 25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुल्हन मंडप से उठकर बाथरूम को गई है। क्या अंजलि, मुझे आकाश के बारे में कुछ बताना है अभी। चलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम आकाश को कब से जानती हो? करीब 10 दिनों से। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हें आकाश की हकीकत बताना चाहती हूँ। बताओ। एक साल पहले की बात है और वो इस तरह मेरे साथ साथ कहीं और लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। मैं आपको अपनी तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। ठीक है, तुमने मुझे आकाश के बारे में सच्चाई बता दी है। थैंक्स। तुम मेरे कपड़े ले लो और मुझे अपने कपड़े दे दो। आकाश, मैं तुझे किसी का होने नहीं दूंगी। आता हूँ अभी, आता हूँ। चक्कर की है यार। हाँ सिकंदर बोल। बॉस आपकी दुल्हन भाग गई। आता हूँ अभी, आता हूँ। चक्कर की है यार। हाँ सिकंदर बोल। बॉस आपकी दुल्हन भाग गई। कहाँ? बॉस पता नहीं, शायद वो राइट में भागी होगी। लेफ्ट राइट तू जाने, मुझे लड़की हर हाल में चाहिए, समझाना। ओके बॉस। बेटे कहाँ गए थे आप? अंकल आपकी लड़की भाग गई। कौन कहता है भाग गई? अक्सर वो ऐसा करती रहती है, उसकी ये बचपन की आदत है। वो कहीं नहीं भागी है, वो अभी आ जाएगी। शायद उसकी दिल की घंटी नहीं बजी हो। आप चिंता नहीं करो बेटे, शादी जरूर तुमसे ही होगी, ये मेरा वादा है। ओके, अभी आने वाली है। चल बे कुलदीप, गाड़ी निकाल। चार सिकंदर में होने आया। चल भाई। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में मैं क्या करती? देखो अपनी कहानी दूर से बताओ प्लीज। डरते हो? भूत चुड़ैलू, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हूँ, इसीलिए तो दूर रहना चाहता हूँ। हुँ।
सिकंदर उन्हें दस जाना किधर है? यार समझ भी नहीं आ रहा किधर चलना है। अगर मैं लेफ्ट को जाता हूं तो हो सकता है मुझे राइट की जरूरत पड़ सकती है, और अगर मैं राइट की तरफ जाता हूं तो हो सकता है मुझे लेफ्ट लेना पड़े। समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं। एक काम करता हूं यार, सीधे चलता हूं। ए चलो सीधे। चंगा फिर चल बिल्लो तेरा रब रखा। बिल्लो बिल्लो किधर है? ओ यार तुसी जानदे नहीं गड्डियां ते लिखा होंदा है चल बिल्लो तेरा रब रखा, घर भावे जनानी नु बिल्लो कहा ना होए। चल सीधे। डार्लिंग वो सोने की चिड़िया कब हमारे हाथ लगेगी बोलो ना, अरे कब तक हम लाला गोल्डन से बजवाते रहेंगे? जाने मन मुझे सिकंदर पर पूरा यकीन है, वह लड़की को हर हाल में हमारे पास लेकर ही आएगा। वो आने ही चाहिए क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन तक बगैर शादी के नहीं रह सकती, because I am pregnant। बहुत बार तुम्हारा हिसाब किताब एकदम साफ है, लेकिन अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। बहुत क्या सेठ? बहुत सोना लेकिन सेठ इंटरेस्ट टाइम पर चाहिए, एकदम टाइम पर। सोना जितना मांगता लेकर जा। हाँ लेकर जाओ, ठीक है। अरे आकाश इंगपा इधर आओ, बैठो। और रूपा ठीक ठाक? ओ मेरा सोना, और इंटरेस्ट लाया क्या? गोल्डन भाई बस दो दिन का टाइम हो। अरे क्या रे दो दिन रे, मैं सोने के साथ ब्याज दे दूंगा। देख लेकिन बंगले का क्या रखना, बहुत खूबसूरत है, बहुत बंगला बहुत खूबसूरत है। ठीक है जाओ। ठीक है गोल्डन भाई, जाओ चलता हूँ। ना पैसा लाया ना रूपा लाया। हाँ अरे कितना सोना, पैसा दिया क्या? पक पक नन्हा आटरिया व्यापार नाम तुम्बा केटा मनुष्य। पक